आने वाली है, आने वाली है रिजल्ट की घड़ी। नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड डिफेंस जो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग बात करेंगे जेएसएससी उत्पाद सिपाही रिजल्ट, दोस्तों उन्हीं पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जी हाँ साथियों, बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि सर एक्साइज कॉन्स्टेबल का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों का रिजल्ट जल्द ही आएगा और किस दिन आएगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। एग्जैक्टली दोस्तों वही दिन आपकी रिजल्ट आएगी, ठीक है? तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ही कर दीजिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और ऑथेंटिक जानकारी दोस्तों सबसे पहले हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट देती आई है और आगे भी देगी। तो साथियों, बहुत 10 दिनों से दोस्तों हमारे व्हाट्सएप और यूट्यूब कमेंट सेक्शन भर गए दोस्तों, सर रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगी। तो दोस्तों अब आप लोगों का दोस्तों सॉल्यूशन दूर हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि आपका आखिरकार रिजल्ट कब आएगी। तो आप चैनल के साथ बने रहें। जैसा कि दोस्तों आप लोगों का जो एग्ज़ाम है झारखंड उत्पाद सिपाही, वो 4 अगस्त को आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद आपका जो टेंटेटिव आंसर की जारी हुआ था, 14 अगस्त को आपका टेंटेटिव आंसर की भी जारी कर दिया गया था जेएसएससी के अनुसार। टेंटेटिव आंसर की आने के बाद दोस्तों आप लोगों का जो फाइनल आंसर की है 11 नवंबर, आपको डेट पता होगा, 11 नवंबर को आपका फाइनल आंसर की जेएसएससी के आयोग से द्वारा दोस्तों घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों जेएसएससी जैसे ही फाइनल आंसर की घोषित होता है उसके बाद आप लोगों का कॉपी चेक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों का आज पता होगा कि आज 16 जनवरी है, 11 नवंबर से 11 दिसंबर, 11 दिसंबर से 11 जनवरी, आंसर की के दोस्तों 2 महीना 5 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ है, ठीक है? और आपका एग्ज़ाम दिया हुआ दोस्तों 5 महीने प्लस हो गए लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुई है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताएंगे कि आपका रिजल्ट इसी दिन आएगी, ठीक है? तो आप बने रहे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं लिए चलता हूँ आपको कुछ। तो साथियों सबसे पहले हम बता दें जेएसएससी जो है साथियों, जैसे कि IRB जो आप एग्ज़ाम देख लीजिए, 3, 10, 17 दिसंबर को एग्ज़ाम ली गई थी, ठीक है? और उनके बाद दोस्तों आंसर की जारी की गई थी 15 दिन के बाद। उनके बाद 15 मार्च के बाद दोस्तों इंडियन रिजर्व बटालियन का फाइनल आंसर की आया 15 मार्च को, और 5 जून को आपका रिजल्ट प्रकाशित हो गया था, ठीक है? बहुत से छात्र हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रिजर्व बटालियन से जुड़े हुए थे, तो उन सभी छात्र को अगर देख रहे हैं तो उनको पता होगा। और देखिए दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जेएसएससी का एग्ज़ाम लिया गया है, उन्हीं के अनुसार आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ड्राइवर का एग्ज़ाम है, JHPTCE ई एडमिट कार्ड। देखिए यहाँ 20 जनवरी 2019 को एडमिट कार्ड, 20 जनवरी 2019 को दोस्तों एग्ज़ाम था, और इनका जो दोस्तों फाइनल आंसर की मार्च में आया था, लेकिन इनका जो रिजल्ट है साथियों 31 जुलाई को शाम में प्रकाशित हुई थी। आप देख सकते हैं 20 जनवरी को एग्ज़ाम लिया हुआ, 6 महीने 10 दिन लगा दिए, मात्र 5000 लड़के इस एग्ज़ाम में ड्राइवर के एग्ज़ाम में बैठे थे। तो दोस्तों हमारे छात्रगण बैठे थे तो मैं उनसे पता किया, ठीक है? तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएंगे। और साथियों एक्साइज कॉन्स्टेबल का जो रिजल्ट है 518 गुने 3 दोस्तों लड़कों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और मैं फिजिकल का भी बात करूँगा दोस्तों, आप लोगों का फिजिकल कब होगा, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहले उन छात्र से मैं अनुरोध करूँगा कि अगर आप हमारे कटअप का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है दोस्तों, दो कटअप का वीडियो, ठीक है? कुछ छात्र कह रहे थे कि सर मेरा इतना मार्क्स आया, कुछ छात्र कह रहे थे कि सर मेरा 570 आया है, कोई छात्र कह रहे हैं कि मेरा 460 आया है। तो दोस्तों दो कटअप है, ठीक है? ये दो कटअप रहेंगे, कुछ लड़के के अनुसार एक हाई कटअप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मनाया गया है, एक लो कटअप है। तो दोस्तों यही दो कटअप में दोस्तों एक रहने वाली है, ठीक है? तो आप कटअप का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए और देखिए आप।
तो चलिए साथियों, अब हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि साथियों, कुछ दिन पहले पेपर के माध्यम से आपको पता होगा, जो हमारी जो आयोग है जेएससी कर्मचारी चयन आयोग, रतन कुमार ने दोस्तों अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये जो पद है कुछ दिनों में भर लिया जाएगा। तो दोस्तों अभी अध्यक्ष नहीं रहते हुए ये जो रिजल्ट है आपकी बनकर तैयार है, तो अभी विलम्ब हो सकती है। और जो अध्यक्ष के जो दोस्तों बदले जो सचिव हैं, उनके बदले में कार्यरत हैं जो हमारे जो सचिव हैं आयोग के, मेधु बड़ाई जी। ठीक है, तो उन्हीं के दोस्तों अभी पदभार संभाल रहे हैं। तो जाइए दोस्तों, अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी नहीं किए हैं तो आप लोग से नम्र निवेदन है, आप लोग जाइए अपने फिजिकल को तैयारी कीजिए। साथियों, अब दिन शेष नहीं रह गए हैं, वो दिन दोस्तों इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को एक प्रबल संभावना कि दोस्तों प्रबल संभावना है कि रिजल्ट आपके इस दिन के बीच दोस्तों प्रकाशित हो जाएगी। सभी चैनल वाले अपने अपने YouTube चैनल से दोस्तों बक दिए, जो भी बकने थे। ठीक है, अरे ये जो दोस्तों हम बता रहे हैं, ये प्रबल संभावना है कि आपकी जो रिजल्ट है बनकर तैयार है और इसी दिन के दोस्तों बीच में भीतर प्रकाशित कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम समय नहीं लेंगे, आपका जो रिजल्ट है आप देखिए, अभी 26 जनवरी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 26 जनवरी तक, अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में दोस्तों पुलिस कर्मचारी अपने राज्य के प्रति या देश के प्रति बिजी रहेंगे, राज्य के चाहे देश के हो दोस्तों। तो देखिए ये जो डेट है दोस्तों, हम बता दें, एक फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक आपका रिजल्ट कभी भी प्रकाशित हो सकती है। अगर आप नहीं सुने हैं तो सुन के दोस्तों फिजिकल की तैयारी में लग जाए। हो सके दोस्तों आपके 1 फरवरी को भी रिजल्ट आ सकती है, 2 फरवरी को भी आ सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये एक प्रबल संभावना है। और पूरी दोस्तों हम ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है 1 से लेकर 15 फरवरी के बीच में ही आपका रिजल्ट प्रकाशित होगी। और आपका जो दोस्तों फिजिकल है, अगर आपका 10 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है तो आपको दोस्तों मात्र 20 दिन, जिस दिन रिजल्ट आएंगे आपको 20 दिन, उस दिन से लेकर 18 से लेकर 20 दिन बाद आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। 20 दिन के आपका अंदर जिस भी दिन आपका रिजल्ट प्रकाशित हो रहा है, आपका उस दिन के अंदर आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं बता दिए, आपका जो फिजिकल की जो संभावना है, अभी राज्य में ठंड भी बहुत पड़ रही है, फरवरी के अंतिम सप्ताह आपका फिजिकल ले लिया जाएगा, या तो मार्च के फर्स्ट वीक में हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगती है साथियों, आपको पता भी होगा, और आपके मार्च में प्रथम सप्ताह या फरवरी के अंतिम वीक में आपका फिजिकल ले लिया जाएगा। और फिजिकल का दोस्तों हम स्थान भी बता दे रहे हैं, आपका जो फिजिकल है उसी जिले के अंतर्गत होगा, पहला रांची, दूसरा दुमका और तीसरा जमशेदपुर सिद्धगोड़ा में। ठीक है, तो यही 3 जगह फिजिकल लिया जाएगा दोस्तों। और जैसे ही फिजिकल लिया जाएगा, हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को वीडियो का लाइव कवरेज मिलता रहेगा। तो वीडियो में जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जिस भी दिन आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा, मैं दोस्तों 1 या 2 दिन पहले आपको बता सकता हूँ कि रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। जिस भी दिन दोस्तों रिजल्ट आएगा, इसी YouTube चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो साथियों, अगर हमारी वीडियो को पसंद आई होगी ना, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दे, और चैनल पे जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो साथियों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।